नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दीपावली की हार्दिक शुभकामना आपको तथा आपके पूरे परिवार को। माता लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर आए, हर प्रकार से सुख शांति यश कीर्ति आयु और आरोग्यता का आपको माता लक्ष्मी का महावरदान प्राप्त। अब आप हमें www.astrotak.com वेबसाइट पे आप हमें सर्च कर सकते हैं। आपके मन में यदि कोई क्वेश्चन चल रहा है, यदि कोई प्रश्न चल रहा है, तो उसे आप लिख करके हम तक आ सकते हैं, उस प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया जाएगा। आज हम बात करेंगे दीपावली की रात्रि में जीवन के अंधकार को कैसे दूर किया जाए। देखिए, अंधकार यहाँ पे रात्रि से कोई मतलब नहीं। अंधकार का मतलब होता है भय, अंधकार का मतलब होता है रोग, अंधकार का मतलब होता है अज्ञानता, अंधकार का मतलब होता है मानसिक अस्थिरता। क्योंकि जब जब अंधकार की छाया आती है जीवन में, तब तब व्यक्ति अस्थिर हो जाता है, उसका पूरा परिवार अस्थिर हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है, दीपक ज्योतिर पर ब्रह्म, दीपक ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, पूजा ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपो हरतु मे पापम, पूजा ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप हमारे पूरे जीवन के पापों को हर लेता है, हमें निर्मल बना देता है, हमारे मन में वह ऊर्जा प्रकाशित कर देता है जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस दीपावली की रात्रि में आप एक दीपक जला करके अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि यह सिद्ध रात्रि है। इस रात्रि में किया जाने वाला कार्य निश्चित रूप से साल भर इसका पूरा पूरा प्रभाव आपके ऊपर, आपके परिवार के लोगों के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर तथा आपके व्यापार में निश्चित रूप से बना रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों के वचन हैं। क्योंकि जहां दीपक ज्योति अमावस्या के दिन प्रज्वलित होती है पूरी रात्रि भर, वहां पे समस्त अंधकारों को जाना पड़ता है। अब बात करते हैं उस दिव्य दीपक ज्योति की कि आप अमावस्या में कौन से स्थान पे, किस जगह पे यह दिव्य ज्योति स्थापित करें जिससे आपके घर की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। देखिए, हमारे घर में ईशान कोण सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। ईशान कोण में देवी देवताओं का वास होता है और उत्तर की दिशा में भगवान कुबेर का वास होता है, और ईशान कोण में हमारे कुल देवता कुल देवी का वास होता है। आप उत्तर की तरफ भी दीपक को जला सकते हैं, परंतु ज्यादा अच्छा होगा ईशान कोण में। ईशान कोण में आप पीले रंग का चावल रखें। पीले रंग का चावल यदि आप रखेंगे तो निश्चित रूप से उस दीपक ज्योति में और ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे कि आपके घर के समस्त अंधकारों को दूर कर देगी। चाहे वो अज्ञानता का अंधकार हो, चाहे भय का अंधकार हो, चाहे रोग का अंधकार हो, चाहे आपस में असमानता का अंधकार हो, एक दूसरे के प्रति नफरत का अंधकार हो, सारे ये अंधकार दूर हो जाएंगे। आप इस दीपक ज्योति को यदि आप अमावस्या की रात्रि मतलब दीपावली की रात्रि जलाते हैं। ईशान कोण में आप एक कटोरी में या किसी पात्र में पीले रंग का चावल रखेंगे। चावल रख करके एक आप दीपक रखेंगे। दीपक में हो सके तो घी, नहीं तो तिल का तेल आप उसमें अच्छी तरह से पूरा रख दें, ताकि पूरी रात्रि तक यह दीपक जल सके। अब आप थोड़ा शुद्ध होकर के लाल रंग या पीले रंग के आसन पे आप दीपक के सामने बैठ जाएं और दीपक से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप अज्ञानता को नष्ट करने वाले हैं, आप अंधकार को दूर करने वाले हैं। इस अमावस्या में इस महान तिमिर रूपी अंधकार को यदि मेरे परिवार में है, मेरे व्यापार में है, या कहीं भी ये अंधकार है जो कि हमें दुख दे रहा है, इसे आप दूर करें। पूरी रात्रि हमारे घर में स्थिर रह करके हमारे घर को पवित्र करें। इतना आप प्रार्थना करके दीपक ज्योति को आप जो जला दें, इसके बाद थोड़ा सा आपके पास पानी होगा, पानी से दीपक का मंडन कर लें।
कुछ पुष्प होगा तो पुष्प अर्पण कर दे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। और आप दीपक को वहां पे बैठ करके प्रणाम करें, और दीपक ज्योति का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पूरी रात्रि आपका दीपक जल सके, बस और कुछ नहीं करना है। यही एक प्रयोग आपके घर में सुख चैन समृद्धि सब कुछ दे सकता है, आप करके देख लीजिएगा। क्योंकि दीपक हर प्रकार के अंधकार को दूर करके जीवन को प्रकाशित कर देता है, और यदि प्रकाशित जीवन है तो निश्चित रूप से सब कुछ पाया जा सकता है, और हर चीज मन की मुरादें पूर्ण हो सकती है। मित्रों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताने का प्रयास करिएगा। यदि कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या आप www.astotak.com पे जाकर के, astotak.com की वेबसाइट पे जाकर के हमें सर्च करके अपने प्रश्नों को हमसे ले सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।